मोक्ष अभी रेडी हो गया है। मैं इसको अभी धूप से लेकर आई हूँ। और मोक्ष ना बहुत रोता है, मतलब कि छोटे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा रोता है, मतलब बाकी बच्चों की अपेक्षा। और ये ड्रेस मोनी की थी जो मोक्ष को नहीं आ रही है अच्छे से, फिर भी मैंने पहनाई है। सुलेखा की और मोनी की इवनिंग चक्की चालू और मम्मी का वायरस। बाबू बाबू, ओली 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 बाबू। बाबू रोतलू महाराज, ओली 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 ओली, आ जाओ आ जाओ मम्मा के पास। ओली नहीं लूंगी, जा। गाइस अभी ना हम लोग यहाँ पे इवनिंग का नाश्ता कर रहे हैं, और मतलब चिप्स और चाय, क्योंकि हम लोगों को ना छोटी छोटी भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो चिप्स और चाय ही खा लिया जाए। मम्मी हाय करो, मोनी हाय करो, सुलेखा, मोक्ष 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 रूम दिखा दो। सबको आ गए। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा ब्लॉग्स रिवैम्पी में। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं ना अभी डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, बेबी भी छोटा है। जस्ट अभी मोक्ष सो गया है, ये देखो अभी ये सो जाएगा, फिर रात भर जगता है। और इसी वजह से अगर रात को नींद पूरी नहीं हो पाती है ना, तो पूरा दिन अजीब सा फील होता है। और आज ही आया है बाबू का ये डायपर, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, और दिखाती हूँ ये वाला। सब कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा है फ्रंट कैमरे से। और ये मुझे मिला है 655 का, और कंपनी है एक्टिव डायपर पैंट्स। और ये एस साइज का मैंने लिया है, और इसमें 82 पैंट्स है, 82 पैंट्स। तो ये बाबू के लिए है, और मोनी के लिए भी ऑर्डर किया है। और आप बोलोगे कि मोनी तो 2.5 साल की हो गई है, फिर भी मैं उसको डायपर पहनाती हूँ, तो हाँ, क्योंकि अभी मैं दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। धीरे धीरे सेट हो जाएगा सब कुछ, बट अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मोक्ष भी छोटा है और मोनी भी छोटी है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उसको रात को डायपर पहना दूंगी, तो थोड़ा इजी रहेगा। और यहाँ विंटर भी बहुत है ना, तो वो भी चैन से सोएगी और मैं भी, तो इसीलिए दोनों के लिए डायपर ऑर्डर किया है। तो मोक्ष का आ गया है, मोनी का नहीं आया है। और आप ये देखो हमारा टेबल, इसमें सारा कुछ मोक्ष का है सामान, ये देख सकते हो पूरा सामान जो है मोक्ष का है। ये बेड शीट है, और ये इसके पूरे पैंट्स है, इसमें पूरी कच्ची वगैरह, और इसमें पूरे सॉक्स हैं, और इसमें पूरे कपड़े। मैंने अभी ना कोई ऑर्गेनाइजर नहीं लिया है बेबी के कपड़े रखने के लिए, तो ऐसे ही बॉक्स में रखा हुआ है। और अभी मैं पोटी वॉश करने के लिए ये टॉयलेट पेपर लिया है बाबू के लिए, क्योंकि काफ़ी विंटर है ना, वैसे तो गीले कपड़े से पोछना चाहिए, बट ठंडी बहुत है यहाँ रीवा में, तो
यही ठीक होगा, आई थिंक यही ठीक रहेगा। तो अभी तो मैं यही यूज कर रही हूँ जब तक विंटर रहेगा, फिर विंटर के बाद देखते हैं क्या। विंटर के बाद इतना काम नहीं पड़ता है। गाइस, आप लोग अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। और क्या, और बाकी चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। एक पतीले भर के ना दूध रखा हुआ था, वो फट चुका है, तो बस मैं उसको चूल्हे से उतार कर अभी मैं उसको ना एक कॉटन के कपड़े से छान लूँगी जो दूध फट गया है, और उससे बनाऊँगी पनीर। तो बस मैं इसको छान लूँगी, और छानने के बाद इसको थोड़ा वेट करने के लिए रख दूँगी तो जब तक इसका पूरा पानी निकल नहीं जाता। और गाइस, ये है हमारा सबसे ऊपर वाला हॉल जो कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है, और यहाँ पे ऐसे ही जो अनयूज सामान होता है, जैसे कि विंटर में कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं और समर में कुछ चीज़ें यूज होती हैं, तो जो हमारा मतलब यूज़ का सामान नहीं रहता वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और देखो मोनी भी शैतानी कर रही है अपना हाथी लेकर छोटा सा, और अभी यहाँ ना प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है तो, और कोई भी फिनिशिंग नहीं हुई है, फिटिंग नहीं हुई है ये, तो गाइस इग्नोर दैट। और बस इसको मैं ना अच्छे से छान लूँगी, और जब तक पानी इसका पूरा निकल नहीं जाता तब तक मैं वेट करूँगी, क्योंकि इस पे ना ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो बस अभी ये ऑलमोस्ट मैं इसको थोड़ा ऐसे फैला दूँगी हाथों से, और हाथों से ही थोड़ा थोड़ा पुश करके पानी निकालूंगी। तो बस अभी ये थोड़ी देर में बन जाएगा, और इसको मैं अच्छे से पानी छान कर, और इसको मैं सिलबट्टा होता है ना उससे दबा कर रखूंगी थोड़ी देर। और ये देखिए ऐसा है, अभी ये थोड़ा मैंने इसको अच्छे से दबा कर नहीं रखा है, दबा कर रखने के बाद मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी, सेट होने के लिए, और फिर कल दिखाऊंगी कि कैसा बना है हमारा पनीर।